हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीड़ित आप भी हैं, पीड़ित मैं भी हूँ। एक दूसरे को, एक दूसरे का गम बांटने के लिए दोस्तों अक्सर हम वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो हेल्पलाइन नंबर देने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, वो सेबी की स्पेशल हेल्पलाइन नंबर का एक हमारे पास नंबर है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुने। इसमें आपको बहुत सी जानकारी यहीं से उठाकर आपको सुनाई जाएगी और बताया जाएगा कि हमने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था तो उसके सत्यापन की कुछ आपको अंश हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सेबी हेल्पलाइन नंबर के बारे में जो हमारे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं अधिकतर हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का, जी हाँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर भाई 1,15,000 से ज़्यादा हमारे पास इस वक्त PACL के सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, उन सभी सब्सक्राइबर भाइयों में से कुछ सब्सक्राइबर भाइयों का हमारे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि सर, हमें सेबी हेल्पलाइन नंबर दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस हेल्पलाइन नंबर पर बात करता हूँ वो तो एक लोकल सेबी हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन आपके लिए जो नंबर लेकर आया हूँ दोस्तों, ये बहुत स्पेशली नंबर है जहाँ पर अधिक जानकारी आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि निवेशक खुद बात करें, खुद अपनी परेशानी को सॉल्व करें। हम नहीं चाहते कि आप हमारे दी हुई, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के ऊपर ही निर्भर रहें। हमारा, जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने आपसे अभी कहा था कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। एक पीड़ित ही पीड़ित का दर्द जानता है। न जाने आपके दिल में कौन सी ऐसी बात छुपी है जो आप सेबी विभाग से या सेबी स्पेशल हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने ये वीडियो बनाई है आपकी हेल्प के लिए बनाई है, और आपकी हेल्प करके हमें जो सुकून होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है जैसे कि हमें कोई एक अच्छी, जैसे कोई हमने एक अच्छा कार्य किया और उससे हम पूरे दिन संतुष्टि महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो नंबर है सेबी हेल्पलाइन नंबर, ये बताते हैं कि ये स्पेशल आया है हेल्पलाइन नंबर 0221-6921-6966। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशल नंबर है। वेबसाइट फॉर रिफंड एप्लीकेशन www.sebipulserefund.com। जी हाँ दोस्तों, ये वो वेबसाइट है जिस पर अक्सर हम अपने बॉन्ड सबमिट करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपसे बताना चाहते हैं कि सेबी PACL हेल्पलाइन नंबर आपके प्रश्नों के लिए टोल फ्री नंबर है जो हमने अभी आपको बताया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो आप इस नंबर को अपनी डायरी में या मोबाइल नंबर पर, या दोस्तों मोबाइल के अंदर फील्ड कर सकते हैं ताकि आप समय समय पर इनसे जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने द्वारा जो भी परेशानी है दोस्तों, वो परेशानी इनसे शेयर कर सकें। तो दोस्तों, आपके कॉल करने के लिए जो सेबी द्वारा दिया गया है ये नंबर, यदि आपको अपना मोबाइल नंबर खो दिया है, जी हाँ दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो बॉन्ड सबमिट किए हैं उनका कोई मोबाइल नंबर अगर खोया गया है तो आप उनको इस बारे में भी सूचना दे सकते हैं कि सर, हमने जो बॉन्ड जमा किया था उसका मोबाइल मोबाइल नंबर खो चुका है। तो दोस्तों, यदि आपका अपना PACL प्रमाण पत्र खोया गया है तो आप इस उन्हें कॉल कर उसके बारे में अपनी ये समस्या को अवगत करा सकते हैं और उनको अपने UT नंबर को दर्ज करा सकते हैं कि सर, मेरा ये UT नंबर खोया गया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन PACL धन वापसी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलम जो इस वक्त हमारे सामने खुला हुआ है, इस कॉलम में हम सिर्फ आपको कोई जानकारी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी कोई बॉन्ड सबमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो ख़ास जानकारी इसमें देंगे वो ये देंगे
कि अक्सर हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो पल्स योजना भुगतान पंजीकृत संख्या, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पल्स योजना भुगतान का जिक्र आया है और मैं अक्सर अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि पल्स की योजना भुगतान, जी हाँ दोस्तों, पल्स में जो योजना भुगतान थी उसके आधार पर सेवी विभाग या लोढ़ा कमेटी निवेशकों का पैसा नहीं दे रही है। ये एक कड़वी हकीकत अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि पीएसएल योजना भुगतान संख्या ये यहाँ पर मांग रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पल्स धन वापसी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज का एक इन्होंने कॉलम दिया हुआ है। तो दोस्तों, पल्स प्रमाण पत्र के अनुसार निवेशकों के नाम, दावा की गई राशि के रुपए, दावेदार का मोबाइल नंबर, जी हाँ दोस्तों, पल्स योजना पंजीकृत संख्या। तो दोस्तों, यहीं आकर हमारी सुई अटकती है और अक्सर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से और सेबी हेल्पलाइन नंबर से, सेबी हेल्पलाइन के जितने भी वहाँ पर हमारी कॉल अटेंड करते हैं उनसे मेरा एक ही सवाल होता है, मैं यही पूछता हूँ कि पीएसएल का जो आपने रिफंड प्रोसीजर चालू किया है, सर हमें ये बताइए कि पल्स योजना भुगतान पंजीकरण संख्या कौन सी आपने चालू की है। तो दोस्तों, आपने भी अक्सर मेरी सेवा विभाग पर जो मेरी बात होती है सुना होगा कि मेरे इस सवाल पर हेल्पलाइन वाली या हेल्पलाइन वाला जो भी वहाँ पर बैठा होता है वो घूम जाता है, उसे नहीं पता कि पीएसएल योजना भुगतान पंजीकरण संख्या क्या होती है और पीएसएल का क्या मैटर है। इस बैठने वाले और हेल्पलाइन वालों को, जी हाँ दोस्तों, शून्य जानकारी है और शून्य के अलावा कुछ जानकारी नहीं है। ये एक ऐसे तोता, जी हाँ दोस्तों, ऐसे रट्टू पीर तोते की तरह उन्हें बिठा दिया गया है, जैसे कि उनके अंदर कोई टेप रिकॉर्ड फिट कर बस उसको ऑन कर दिया जाता है और उसमें सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने का भुगतान किया जा रहा है और आप जो हमसे जानकारी चाहते हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है और हम आपकी ये कॉल आगे पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे झांसे हमें ये हेल्पलाइन वाले देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहाँ बात कर रहा था कि पीएसएल योजना भुगतान पंजीकरण संख्या ये यहाँ पर मांगते हैं, लेकिन दोस्तों, जब हम इनसे पूछते हैं तो हमारे जवाब, इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास कुछ जानकारी नहीं होती है, ये केवल एक मात्र रट्टू तोते के समान वहाँ पर बैठकर आपके प्रश्नों का बस सॉरी और हमें जानकारी नहीं है और आपकी कॉल ऊपर पहुँचाएँगे, बस यही एक नाम मात्र के हमें भरोसे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 8 साल से ज़्यादा पल्स निवेशकों का पैसा इसमें फंसा हुआ हो गया है और दोस्तों, लोढ़ा कमेटी को भी 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन लोढ़ा कमेटी सेबी की तरह, जी हाँ दोस्तों, जैसे सेबी विभाग पैसे देने के लिए सक्षम नहीं हो पाया था, इसी तरीके से हमें लगता है कि लोढ़ा कमेटी के भी बस की ये बात नहीं है, क्योंकि लोढ़ा कमेटी अगर सही तरीके से पैसा देने की योजना चलाती तो पल्स योजना के एक मुश्त किस्तान भुगतान योजना के पंजीकृत संख्या का हमें विवरण देती और हमसे कहती कि पल्स की भुगतान फला योजना का ये ऑनलाइन प्रोसीजर चालू किया जा रहा है और इस पल्स की इस योजना भुगतान संख्या के हम बॉन्ड सबमिट किए हैं या हमने बॉन्ड की वेरिफिकेशन की है, उसके आधार पर पल्स योजना भुगतान पंजीकृत संख्या का हम आपको भुगतान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं दिखाया जाता, हम लोगों को नहीं बताया जाता। हम लोग आज भी अंधेरे में हैं, कल भी अंधेरे में थे और ना जाने कितने वक्त तक ऐसी अंधेरे की गर्त में हम घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन हमारे पैसे मिलने का कोई सही प्रोसीजर सेबी या लोढ़ा कमेटी भविष्य में देगी या नहीं देगी हमें, इसका भी अभी कुछ नहीं पता। तो
तो दोस्तों आपको अगर ये हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे स्टे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइबर तो अपना आप बढ़ते जाते हैं। ये एक ऐसा कारवां है जिस पे दोस्तों मैं अकेला चला था, न जाने कितने लोग मुझसे जुड़ते चले गए। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त, धन्यवाद, जय।